back with the bass on the track. On my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो, क्या बोलते हैं जनरल पब्लिक। आज टूर्नामेंट नंबर 10 का तीसरा डे है जो वीकेंड में अपने खेला जाएगा। पिछले दो मैचेस में टीम टीसीएस ने कमाल करके दिखाया। पहला और दूसरा दोनों मैच यानी कि रिंगल और सैनॉक दोनों टीसीएस ने जीता है। आज देखते हैं आज कौन सी टीम कमाल करके दिखाती है और कौन सी टीम अपना नाम इन सुनहरे मौकों में लगाती है। इसके साथ में देखना है वीकेंड में बहुत बढ़िया मैच है। अच्छा, आज भी टोटल तीन लोग जिनका मैप डाउनलोड नहीं था, जबकि मैं रोज़ के रोज़ एक ही बात बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मैप डाउनलोड कर लो, जबकि इतना छोटा सा मैप है वीकेंड का। तो भी टोटल कितने बंदे आए? टोटल 71 बंदे, हाँ 74 थे। तीन बंदे ऑटोमेटिकली किक आउट हो गए, तो वो सब रेक्टर बना लो। आज भी ना कुछ बाहर के बंदे आ गए थे, पता नहीं यूज़र आई डी पासवर्ड कौन दे देता है। यार प्लीज़ बन पाते किसी का, दूसरों को यूज़र आई डी पासवर्ड कौन दे। जहाज़ ने उड़ान भर लिया है और लोगों ने कूदना शुरू कर दिया है। इसके साथ देखते हैं कौन सी टीम कहाँ पर जा रही है। सबसे पहले यहाँ 23 और 8 नंबर टीम एक साथ जा रही है, यानी कि टीम एनमिटी। टीम रेबल में ऐसा लग रहा है इसमें भी तीन ही बंदे, टीम रेबल में भी तीन बंदे हैं और टीम एनिमी में लगभग बहुत सारी टीम में अब तीन बंदे होंगे, क्योंकि हर टीम से एक एक बंदा किक आउट हो गया। ये देखो जितनी एक्सपर्ट टीम थे ना उनका बराबर हिसाब है। उनके सारे के सारे मैप्स वगैरह डाउनलोड करना आप लोगों की जिम्मेदारी, लीडर्स की जिम्मेदारी कि वो अपने प्लेयर्स को मैप डाउनलोड करवाएं। यूज़र्स को नहीं पता, एटलीस्ट लीडर्स को तो पता है। ये देखो टीम में 23 यहाँ पे। अच्छा, इसी के साथ देखना है कि आज सबसे पहला किल कौन सी टीम करती है। और यहाँ पर बहुत सी टीम्स बिल्कुल बगल बगल में हैं। यार ये जब भी हम लोगों ने ये वाला मैच खेला है रेंटिंग इशू बहुत होता है इसमें। टीम नंबर 24 के बिल्कुल बगल में है टीम नंबर 7 टीम जोकर। कल बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी टीम। टीम डबल वाला, इनका भी एक बंदा पता नहीं मैप में आया था और ये किक आउट नहीं हुआ, ये मैच शुरू होने से पहले ही बाहर चला गया। यहाँ पर भी दो टीम से टीम एच एन ए के चारों बंदे हैं और टीम एच एन ए के बिल्कुल बगल में टीम टी सी एस है। टेंकी पहली मैच में भी भिड़ंत हुई थी, लोग बिल्कुल करीब करीब में, हो सकता है इनकी भिड़ंत बहुत जल्दी देखने में मिले। टीम 6 और टीम 22 बढ़िया नोट मिल गई है टीयर वालियों का। बिल्कुल बिल्कुल करीब में तीन टीम से टोटल। टीम नंबर 5 भी बिल्कुल नज़दीक है, जब इनकी गोलियां चलेंगी तो हो सकता है ये लोग वहाँ पर अटैक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ में अब दूसरी टीम देखते हैं। ये कातिल टीम, कल ये बंदा भी बहुत बढ़िया खेला था कातिल का एक बंदा शायद किक आउट हो गया ऑटोमेटिकली। उसका वो अपडेटेड मैप नहीं था तीसरी बिल्कुल बाजू में टीम सेवेज थी या टीम सेवेज नहीं, ये थी टीम रश। टीम रश में भी तीन ही बंदे आ पाए। ये बंदे ना यार इतना लेट आते हैं ना यार, मैंने सोचता हूँ कि यार टाइम पे शुरू कर दूँ, बट क्या होता पता है। टीयर वॉरियर सबसे पहले टीम एच एन ए की टीम टी सी के साथ में लड़ाई हुई, टीयर वॉरियर को पूरी तरीके से किल कर दिया एच एन ए ने और एच एन ए के ऊपर गोलियाँ चल रही है और हो सकता है एच एन ए में नॉकआउट हो जाए। नसीम एच एन ए के हाथ में पूरी भाग दौड़े, सॉरी अविनाश एच एन ए, बट इसी के साथ में टीम टी सी एस ने टीम एच एन ए को सबसे पहले ख़त्म कर दिया। और टीम टी सी एस को देखते हुए टीम टी सी एस से कितने बंदे किल हुए, टीम टी सी एस को भी दो बंदों से हाथ धोना पड़ा।
क्रेजी नदीम और T6 फिना ही बचे। टीम फ्लोरी की एंड्स की लड़ाई हो गई, दो बंदों को शायद उन्होंने यहाँ पर मदद कर दिया है टीम अचानक भयानक के साथ में। मनीष एमजे ने एंड्स के हल को मदद किया है और फ्यूरी ने उनको फिर नॉकआउट कर दिया। इनका एक ही बंदा बाहर की तरफ बचा है, एंड्स के दो बंदे नॉकआउट पड़े हुए हैं। साइलेंट डेथ है, ओह साइलेंट डेथ ने थोड़ी सी गलती कर दी, रिलोड का टाइम पे उनको खिड़की के अंदर रखना चाहिए था और इनके किसी भी बंदे को नुकसान पहुँचाए बगैर टीम एंड्स ने चार किल कंप्लीट कर लिया अपने। चार शुरू तीन हो गए ना, चार किल। टीम अचानक भयानक गेम से पूरी तरीके से बाहर। वैसे आज भी सबसे पहले टीम HNA थी जो सबसे पहले गेम से बाहर गई, उसके बाद अचानक भयानक और टीम TCS और टीम एंड्स ने अपने चार किल के साथ में अपनी पोजीशन बना के रखी है। वैसे टीम TCS अपने टूर्नामेंट टेबल पे पॉइंट नंबर टेबल पे वन है और टीम एंड्स सेकंड नंबर पे है अपने टूर्नामेंट टेबल पे। और दोनों बढ़िया टीम ने शुरू में ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाकर अपने आप को साबित करने की कोशिश की है। अफजल एशियन को नाइट ग्राउंड में डाउन नॉकआउट किया है। अफजल एशियन 17 नंबर टीम नाइट ग्राउंड यानी कि भिवंडी, टीम भिवंडी के साथ में टीम प्रदर्श पावर की लड़ाई हो रही है क्योंकि टीम भिवंडी ने इनके ऊपर पुश करने का पूरा तैयारी कर ली है। और ये नाइट ग्राउंड में आके चाहे तो फैन को भी नॉकआउट कर दिया। यहाँ से भी दो बंदे इनके घूम पर आ रहे हैं, नहीं घूम के नहीं आ रहे, वहीं पर रुक गए ये लोग। तो ये क्या है, टीम भिवंडी के ये एक बंदे ऑफलाइन चले गए। दो बंदे को नॉकआउट के करने के बाद भी इन्होंने पुश नहीं किया, ये थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश कर रही है। नहीं फाइनल नाइट ग्राउंड ने एक और को नॉकआउट कर दिया, फिर से एपेक्स एन को नॉकआउट कर दिया, हिल मारने का मौका नहीं दिया उसको और रिवाइव होते ही फिर से नॉकआउट कर दिया और वापस से अपनी अंदर की तरफ जा चुके हैं। साजिद जान रेडी नहीं थे, बिल्कुल रेडी नहीं थे और बट अफजल ने खत्म किया उनको, आर के रेम्बो को भी ख़त्म किया और उसी के साथ में अफजल एशियन को यहाँ से नाइट ग्राउंड ने नॉकआउट कर दिया। और इसी के साथ में भी नाइट ग्राउंड के सामने 1v3 का क्लच करना पड़ जाएगा इनको। यहाँ पर इन्होंने एपेक्स एन को भी बचा लिया है, अब 1v4 का क्लच देखते हैं नाइट ग्राउंड क्या कर पाते हैं आज। 1v4 का क्लच मुश्किल है, बहुत बढ़िया वायरस गनशॉट को नॉकआउट कर दिया। अब दो बंदे नॉकआउट हैं टीम HNA के, ये सर अभी का एक बंदा तो ऑफलाइन है तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। इसके साथ में अब टीम भिवंडी ख़त्म और टीम बदस पावर के 3 किल हो जाएंगे। अब सामने की तरफ आ रहे ताकि मार दे ये लोग। टीम TCS ही फिर से फाइट हो गई, टीम TCS ओके ख़त्म कर दिया इसको। टीम TCS ने स्मिथ यानी कि डबल डोर की टीम के साथ में पंगा हो गया यहाँ पे और एक बंदे को नॉकआउट कर दिया है। ये सामने की तरफ ही दिख रहे हैं शायद, ये नॉकआउट नहीं किया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया एक्चुअली। तो अब डबल डोर में भी दो बंदे 2v2 का क्लच है, देखते हैं कि शमशाद और सलमान जने कुछ कर पाते हैं। अब ये लोग बैक कर रहे हैं। टीम रॉक अननोन की लड़ाई हो गई है, टीम रॉक तरन ने किसी को नॉकआउट किया जस्ट यहाँ पर अभी और ख़ुद भी इनकी भी हेल्थ 40% ही बची है। अच्छा टीम स्काउट के साथ में इनकी लड़ाई बढ़िया, ये बढ़िया फाइट देखने में। इसे ये क्या FPP है क्या? ओके गाड़ी में बैठे हुए थे लोग। टीम स्काउट
भी एक बंदे को नॉकआउट किया था निंजा को, बट उसको उसकी टीम ने वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। और ये देखो G36C से वन टेप पर ये किसको शॉट देने की कोशिश करें, इस चीज़ को नॉकआउट किया उसकी टीम ने, कोई नॉकआउट भी नहीं यहाँ पे, किसको शॉट दे रहे हैं। ग्रोस गेमिंग की आज पहली मरतबा फाइट हुई, आज पहली फाइट है ईगल सामी के साथ में, ईगल सामी रहा ये नहीं सॉरी दो फाइट है यहाँ पे। तो यहाँ पर पहुँचे, ये है इनके सामने जो टीम है, ये है 15 रशर टीम, रशर ने टीम टीम रश के ऊपर, टीम रशर का टीम रश के साथ पंगा हो गया है। टीम रशर का एक ही बंदा बचा है, ये नहीं सॉरी टीम रश का एक बंदा बचा है श्रुति, और देखते हैं कि ये अपने बंदों को बचा पाता। और ये तो बहुत बढ़िया, ओ फाइनली ये हो गया, बहुत ही बढ़िया। श्रुति बच पाएगी कि नहीं, श्रुति को भी किल कर दिया फाइनली। और फाइनली इसके साथ में टीम रश की आज की जर्नी ख़त्म, और टीम रशर ने तीन किल के साथ में वो कर दिया है। अब हम देखते हैं टीम गॉड्स की क्या कंडीशन चल रही है। टीम गॉड्स ने दो बंदों को यहाँ पे किल किया है, कौन सी टीम है वो, टीम नंबर 24 की जो फाइट है किसके साथ में हुई थी, शायद अमन जयकर वाली जो टीम है टीम जोकर के साथ में हुई थी। टीम जोकर ख़त्म हो गई क्या, हाँ ये टीम को हम सॉरी देख नहीं पाए। टीम नंबर 7 पे जो टीम जोकर थी उसको भी पूरी तरीके से आज ख़त्म कर दिया है इन्होंने, और इनके टीम किल्स जो है अभी टीम किल्स 4 हो गए। तो इसी के साथ में टोटल 19 में से 15 टीम्स अभी भी गेम के अंदर बनी हुई है। और अब देखते हैं अभी तक जो 16 से ऊपर जो टीम्स होती थी उनको प्लेसमेंट पॉइंट 0 होता था, अब जो है सारी टीम्स को प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे, एक एक दो दो पॉइंट जो भी हैं हम लोगों ने डिसाइड किया मैच से पहले टूर्नामेंट टेबल पर। सर्कल तो बहुत सही बनाए, और लगभग सारे टीम जोन के अंदर ही, कुछ को छोड़कर ब्लू जोन के बाहर तो कोई टीम नहीं। चलो तो एक एक जो टीम्स को देखा नहीं एक बार उनको देख लेते हैं। कातिल को देख लिया था, स्काउट को देख लिया, भिवंडी वाला तो बंदा ऑफलाइन पड़ा हुआ बेचारा। और ये बहुत अब ये मैच अब्दुल की टीम दूसरी तरफ है, अगर यहाँ से आएगी शायद उनको ये लकी मिल जाएगा। अंदर की तरफ से जाएंगे तो ही किल मिलेगा, अफजल को शायद दिख जाएगा अभी, ये नहीं देखा अफजल ने, एपिक सैन ने भी नहीं देखा। एपिक सुजू भी पीछे की तरफ से चले गए, ये आप लोगों ने किल छोड़ दिया यहाँ पर एक किल। चलो कोई बात नहीं है, कोई नहीं देख पाया, और सबको जोन में जाने की थोड़ी सी जल्दी है तो जाने दो सबको। और कौन सी टीम्स हैं, टीम एपिक को देख रहे हैं, ओके टीम 18 को नहीं देखा हमने आज, टीम 18 को आज देख लेते हैं। टीम 18 का ये टीम 19 का पहले जो नाम था ख़त्म स्क्वाड, अभी इन्होंने चेंज करके उसको टीम इंडिया किया है। वैसे पिछले दो मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए, बट आज भी इनके दो बंदे ख़त्म हो चुके हैं, इनके जीरो किल के साथ में इनके दो बंदे, पता नहीं इनकी लड़ाई कहाँ पर हुई, बट दो बंदे ख़त्म। और ये अब भी फ़िलहाल जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर टीम एंड्स मौजूद है, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरा लाहक हो सकता है, इन लोगों को थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत। और इनको नहीं पता कि आगे कौन सी ख़तरा मंडरा रहा है, और ये लोग आ गए कंपाउंड के अंदर आ चुके हैं, पीछे की तरफ वापस जा रहे हैं, बढ़िया फैसला। ये देखो टीम एंड्स को शायद पता चल गया कि यहाँ पर बंदे हैं, ये लूट रहे हैं। ओह पता है इनको कि सामने टीम पे, इनको भी पता है शायद सामने टीम में। इनकी लड़ाई शायद हो सकती है या नहीं भी हो सकती, दूसरी टीम को देखते हैं। आज इनको नहीं देखा मैंने, बोल्ड बॉयज़
बॉड बॉयज़ का भी प्रदर्शन इतना कुछ खास नहीं रहा है। बॉड बॉयज़ से भी गुजारिश है कि भाई कुछ खास करके दिखाओ, नाम कमाओ, नाम कुछ करोगे तो नाम मिलेगा, कुछ नहीं करेंगे तो नाम कैसे मिलेगा भाई लोग। टीम सेवेज अक्सर जल्दी ख़त्म होने वाली टीम आज बची है अभी तक। टीम सेवेज का पहले बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, अभी कुछ दिनों से इनका प्रदर्शन में भी थोड़ी सी कमी आ गई है। और वैसे कोई इसमें कोई बात नहीं होती है क्योंकि कुछ टीम्स कभी कभी लक की वजह से अच्छा खेलती। टीम एंड्स ने फाइनली इनके साथ में टक्कर ले ली, जो टीम्स इनके पास में घूम रही थी शायद। नहीं, इनकी लड़ाई तो टीम एनमिटी के साथ में, टीम डबल डबल के साथ में हो गई, और फाइनली इन्होंने डबल डबल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, देखने का मौका भी नहीं दिया। यहाँ पर आए थे डबल डबल के दो बंदे जो बचे थे, डबल डबल को ख़त्म कर दिया, सलमान एचे ने और शमशाद एचे ने, बिल्कुल ही आसानी से विदाउट एनी बुलेट, इनको कोई बुलेट नहीं दिया। और पीछे से ये देखो, अब ये लोग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये इनको पुश करते हैं तो शायद इनको पोजीशन मिल गई। फुटप्रिंट आ चुका है क्योंकि बिल्कुल बगल वाले घर में इनको फुटप्रिंट मिल चुका ऑलरेडी। ये देखो, सबने अपनी पोजीशन ले लिए। इनकी खास बात यही है, टीम एक घर पकड़ते हैं और उसके हिसाब से फिर जबरदस्त स्प्रे एंड्स बाबा का, और टीम 18 के एक बंदे को नॉकआउट कर दिया। रिवाइव कर रहे हैं बट फाइनली दोनों बंदे को ख़त्म कर दिया। इसी के साथ में टीम 18 टीम इंडिया की आज की जर्नी ख़त्म। टोटल 13 टीम्स बची है, 15 में से टीम डबल डॉलर और टीम इंडिया जा चुकी है। ये रही टीम TCS, भी इनके बिल्कुल करीब में हैं और इनकी फाइट शायद अभी नहीं होगी, थोड़ा वक्त लगेगा इनको। कहाँ था टीमेंट्स? ओके यहाँ आए। 13 टीम्स में से जो टीम्स बची हैं वो टीम्स को एक मरतबा नज़र मार लेते हैं। टीमेंट्स टीम TCS के दो बंदे 4 किल के साथ में, 5 किल के साथ में। टीम रेबल 0 किल के साथ में। टीम कातिल, स्काउट की टीम भी 0 किल के साथ में पूरी है। इनका जो एक बंदा अभी तक बचा है, जोन की वजह से अभी ख़त्म हो जाएगा। ओके फाइनली ख़त्म हो गया, टोटल 12 टीम बची है। टीम रशर बढ़िया खेली आज 3 किल के साथ में अभी तक है यहाँ पर जमी हुई। इनके सामने टीम नंबर 24 आ रही है। टीम बॉड बॉयज टीम ब्रदर्स पावर भी बढ़िया खेले 3 किल्स के साथ में, टीम भिवंडी को ख़त्म किया आज। टीम सेवेज टीम एनमिटी, ये लोग कहाँ पर, इनको देखना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे गेम के खास बंदे लोग हैं। ये देखो, पता था मुझे, ये इसीलिए खास है। एक कोना पकड़ो और आराम करो। अरे ये बाहर कैसे घूम रहा है, ये तो बहुत गलत, इनके रूल्स के खिलाफ है निशु, ये तुम्हारे रूल्स के खिलाफ है, तुम बाहर क्यों घूम रहा था। ये देखो तीनों एक जगह पे, एक ग्रेनेड और काम खत्म। क्या गलती पब्लिक क्या कर रही है, हाँ बैठे रहो, चलो आगे की टीम देखते हैं। इसके बाद कौन सी थी 24, 4 किल के साथ में टीम वॉट्स, जिनके बिल्कुल बगल में से कोई टीम जा रही है, नहीं नहीं कहने के बंदे, और 0 किल के साथ में टीम अननोन टीम रॉक। इनके सामने ब्रदर्स पावर है और इनको उनकी लोकेशन पता चल गई है बट फायर नहीं कर रहे, कर दिया फाइनली फायर। चारों तरफ देख रहे हैं कोई दूसरी टीम से खतरा ना हो, बट इनके बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पर टीम स्काउट यहाँ पर है, ज़्यादा दूर है, कोई पोजीशन नहीं बन रही इनकी। और बताओ कौन कौन सी टीम बची है। इन 12 टीम्स में कोशिश करते हैं कि बढ़िया लड़ाई रिकॉर्ड करें।
अभी तक कोई ख़ास लड़ाई हुई नहीं। एक टीसीएस टीम एंड्स के एक बंदे ने टीसीएस के एक बंदे को नॉकआउट कर दिया, क्रेजी नदीम को। उनके साथ में फीना है, फीना उसको रिवाइव करने की नहीं कुछ करें, बट शायद क्रेजी नदीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। टीसीएस फीना को भी ख़त्म कर दिया एंड्स ने। इसके साथ में टीम टीसीएस आज 12वें नंबर पर ख़त्म हो गई है 4 किल्स की, अब 4 या 5 किल्स के साथ में। बढ़िया खेला उन्होंने आज भी, बट इनके इसकी वजह से इनके पॉइंट्स टेबल में तो बहुत गिरावट आ जाएगी, बट जो 5 किल्स हैं वो 5 किल्स की वजह से इनको बढ़िया रहेगा। और अभी भी शायद ये पहली ही टीम बनी रहेगी पॉइंट नंबर पे। इनके पास कल का दिन है, कल इनको साबित करने की ज़रूरत है, कल इनको अच्छा खेलना पड़ेगा अगर इनको टूर्नामेंट पॉइंट टेबल पे पहले नंबर पे बना रहना है। तो इसी के साथ में टीम एंड्स के जो किल्स हो गए वो हो गए 12, और टीम एंड्स को बहुत ज़रूरी है अगर इनको पहले नंबर पे आना है तो टीम टीसीएस को जल्द से जल्द ख़त्म करके इनको पहला पायदान हासिल करने की ज़रूरत है। अगर टीम टीसीएस ने अगर कल पहला पोजीशन हासिल कर ली तो बाकी टीम्स के लिए गड़बड़ी हो जाएगी और कोई दूसरी टीम पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे नहीं आ पाएगी। टीम नंबर 2 पे तो एच एंड्स है और अभी तक इनके 12 किल्स के हिसाब से तो आज भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट्स हासिल करने वाले हैं। इसी के साथ में दूसरी टीम देखते हैं, टीम रेबेल जो है अभी तक 0 किल के साथ में घूम रही है। इनको नॉकआउट किया जैसे स्काउट ने, वो भी ऑम से। कोई दिक्कत नहीं, यहीं बचा लेंगे इसको, इसी तरीके से बचा रहे हैं उसको, बचा लेंगे। और ये टीम स्काउट के ऊपर देखिए, स्काउट को देखते हैं, स्काउट के हाथ में ओम है, एक्सटेंडेड मैग लगाकर। और 0 किल्स इनकी टीम के अभी तक, वहाँ से झांकना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ओम का एक फटका और लेवल 3 का हेलमेट चूरा चूर। पीछे की तरफ से एक टीम आ गई, ये कौन सी टीम है, टीम कातिल। इनके पीछे से एक और टीम आ रही है जोन के अंदर, यहाँ पर हो सकता है घमासान लड़ाई होने के चांसेस। यहाँ पर 2 टीम ऑलरेडी, टीम निको की टीम यहीं पर है, ये लोग टीम रशर भी बगल में से गुजर रही है, और बीपीएस के बीपी दोनों टीम काफ़ी भी है जो इनके ऊपर स्प्रे दिए जा रहे हैं, और ये लोग टीम रेबल के पास में भी यहाँ जा रहे हैं। फाइनली रेबल वालों ने रशर के पीछे से हमला कर दिया, बट इनकी टीम साइड से आकर उसके जो बंदा इनके ऊपर हमला कर रहा था उसको नॉकआउट कर दिया। और इसके साथ में यहाँ पर जो दूसरी टीम्स हैं देखते हैं कि अपनी टीम बंदी को बचा पाने के लिए, ये रहा यहाँ पे नॉकआउट पड़ा हुआ है। ऊपर आने से रोक लिया और रेबल नवान को फाइनली बचा नहीं पाए, बट इनके 2 बंदे रेबल के भी बचे हुए, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 2-3 टीम से कभी भी किसी भी टीम्स के ऊपर कहीं से भी फायरिंग आएगी, बहुत ज़बरदस्त कातिल अभी का पूरा किल कर नहीं पाए, बट रशर के ऊपर भी हमला कर दिया, बट वहाँ से स्काउट ने इनको एक ओम का फटका दिया बड़ी दूर से, और उनकी दूसरी जो टीम से उनको बचा सकती है अगर चाहे तो। यहाँ पर आ गया सरकार अंदर, जो टीम रशर का उसने यहाँ से उनको ओके मौली बहुत ही खतरनाक होगी उनकी टीम के लिए, सही तरीके से फेंका होगा तो ये गलती कर दी इन्होंने। अगर मौली अंदर फेंके होते तो शायद इनका किल कन्फर्म हो गया। टीम रॉक की भी कहीं पर फाइट हो रही है शायद बर्ड बॉयज़ के साथ में, बट अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस नहीं कर सकते, बर्ड बॉयज़ की फ़ाइट बाद में देख लेंगे। यहाँ पर एक साथ इतनी सारी टीम, रेबल के जो बंदे को नॉकआउट किया था कातिल ने उसको फिलहाल रिवाइव हो गया, और जो नीचे रशिया का जो बंदा नॉकआउट होता उसको भी रिवाइव मिल गया। तो फाइनली एंड बाबा को नॉक ने जोन ने नॉकआउट कर दिया। ये देखो यहाँ पर कातिल को फिर से नॉकआउट किया, नाइट इमेजर ग्रोथ गेमिंग के बंदे को वहाँ पर किसी ने नॉकआउट किया। यहाँ पर टीम ये क्या चल रहा है, रेबल का एक ही बंदा बचा है, रेबल के एक बंदे का एक ही किल है और उनकी बिल्डिंग के अंदर तो अभी फिलहाल कोई नहीं, तो बाजू वाली बिल्डिंग में जो बंदे उनको देखना अभी फिलहाल जरूरी है। और यहीं पर ड्रॉप भी इनके बिल्कुल बगल में आके बैठा है, टीम कातिल का एक बंदा बचा है। एंड्स की टीम देखते हैं यार, यहाँ पर बहुत देर से चल रहा है एंड्स के, रॉक के एक बंदे को नॉकआउट किया इसने, किसको, गैलेक्सी कॉमेट को नॉकआउट किया एंड्स ने। और अब एंड्स को देख लेते हैं, एंड्स सामने ही है, एंड्स के 2 बंदे शायद नॉकआउट ख़त्म हो चुके, और एंड्स लाला और फ्यूरी ये दोनों बचे हैं, और उनकी टीम के लिए अभी भी 12, इन्होंने जस्ट किसको नॉकआउट किया था बट वो किल नहीं ले पाए।
यहीं पे बिल्कुल आगे की तरफ और भी जो टीम से, ये देखो अननाउन ने पीछे से घात लगा कर बैठा हुआ था और फाइनली वो कर दिया, पीछे से इनके ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पे फिलहाल ये दो टीम्स, ये कौन सी टीम से, बोट जुबेर के ऊपर भी यहाँ से टीम रॉक ने कब्जा जमा के रखा हुआ और इनकी टीम को कंटिन्यू एक साथ तीन लोगों को नॉकआउट करके रखा हुआ और ये कोशिश कर रहे हैं जो कि गोस के बचा लें अपने सारे बंदे को। नहीं, टीम स्काउट है यहाँ पर, टीम स्काउट के बंदे जो यहाँ पर इनके पीछे पड़े हुए और इतने नज़दीक इनके यहाँ पर, इन्होंने एक ग्रेंड और इन सब का काम ख़त्म हो सकता है। देखते हैं, ग्रेंड यहाँ पर पड़ा हुआ है, शायद ग्रेंड नहीं था, इन्होंने सॉरी खुद के लिए इन्होंने वो भेजा था। मुश्किल है भागना जो कि गोल्स का, मुझे लगा था बहुत मुश्किल होगा और फाइनली भाग भी नहीं पाए। इसी के साथ में टीम बोट जुबैर को ख़त्म कर दिया टीम स्काउट ने और अपनी किल की बढ़त कर ली चार किल के साथ में। और अब देखना है कि दूसरी कौन सी टीम जो यहाँ पर लड़ा, एपेक्स की लड़ाई चल रही है ग्रोज गेमिंग के साथ में। ये रही ग्रोज गेमिंग, पीछे की तरफ ग्रोज गेमिंग की लड़ाई चल रही थी एपेक्स के साथ में और शायद ये तो बचे हुए तीन बंदे को ख़त्म कर दिया इनके यहीं पे। इनका एक बंदा जो वायरस गन शॉट है वो अकेला बचा हुआ है, उसको इसकी टीम 100% बोल रही है कि भाई तू रुक और प्लेसमेंट पॉइंट के लिए जा। सेवेज की लड़ाई हो गई कातिल के साथ में, सेवेज को जो टीम नंबर है 21। पर इनकी लड़ाई हो गई, मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा, एक जगह पे इतनी सारी ज़्यादा टीम्स आ गई पूछो मत। ये देखो 70 नंबर पे वायरस गन शॉट पे, वहाँ से टीम सेवेज, अरे भाई धुएं में मत मारना, मैं तो बोलना पड़ेगा या ये रैली है क्या। कौन सी टीम किसको मार रही है, कहाँ से मार रही है, कब मार रही है, कोई अंदाज़ा नहीं ये टीम। अरे यहाँ पर भी कौन बैठा हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एच ने एनमी टी का बहुत बढ़िया वार और इसी के साथ में इन्होंने अबे यहाँ क्यों आ जा रहा हूँ मैं बार बार, इसके पास क्यों आ जा रहा हूँ मैं, इसको क्लिक ही नहीं कर रहा। टीम डबल डबल का सॉरी टीम एन मिटी का सिंगल की एक ही किल मिला है और सामने से इनको टीम नंबर 13 कंटिन्यू मारे जा रहे चले जा रही है। टीम रॉक के दो बंदे नॉकआउट और अकेले बचे हैं और वहाँ से कंटिन्यू फायरिंग, दोनों तरफ से बंदे घेर चुके हैं और यहाँ से टीम सेविस का फायर और यहाँ पर इस तरफ टीम ग्रोज गेमिंग के चारों के चारों बंदे अभी तक जिंदा है और उन्होंने फाइनली ब्रदर्स पावर का जो अकेला बंदा बचा था उसको ख़त्म कर दिया। अब टोटल 6 टीम्स है ग्राउंड में जिसमें से चारों के चारों बंदे इनके ज़िंदा है। टीम सेवेज के का एक बंदा ही जिंदा है, रंजीत बचे हुए हैं और इसी के साथ में यहाँ पर कातिल के टीम के तीनों बंदे जिंदा है अभी तक कातिल के और इनके टीम के भी साथ है तो बहुत बढ़िया के साथ में ये लोग चल रहे हैं और यहाँ पर इनकी फाइट रंजीत के साथ में कभी भी हो सकती है। रंजीत इनको मारा नहीं, पता नहीं क्या था ग्लिच चुलिच जो भी हुआ है वो, या कभी कभी घबराहट में गोलियां चलती है। फाइनली एलिमेंटी के दो बंदे नॉकआउट हैं, जीशु बचाने की कोशिश करी और यहाँ से एटीएफ के जूश जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं और ये वाला ग्रेंड बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा टीम एलिमेंटी के लिए और बढ़िया, बहुत बढ़िया ग्रेंड पिका है और ये ख़तरनाक साबित होगा मैंने बोला था। इसी के साथ में टीम एलिमेंटी के एक बंदे को नॉकआउट कर दिया इन्होंने, सॉरी पूरा किल कर दिया, दो बंदे जो बचे हुए थे दोनों को पूरा किल कर दिया और अकेले बचे हैं जीशु और जीशु को देखते हैं कि ओहो फाइनली कातिल वाली टीम ने दूर से आया और वो बाहर चल गया, किल लिया और निकल लिया। अरे यार ये रुक क्यों जाता है एक जगह पे। फाइनली चार टीम्स क्रॉस गेमिंग, टीम स्काउट का एक ही बंदा बचा हुआ है, कातिल के एक बंदे को फाइनली टैप टैप करके नॉकआउट कर दिया है। ग्रोज गेमिंग है, टीम गॉड्स है, टीम ग्रोज गेमिंग मेरे मुझे निकलता बट एक्चुअली टीम गॉड्स है। यहाँ से देखो ये बंदा जो है ना अकेला बहुत बढ़िया खेल रहा है, स्काउट है, फाइनली से कातिल के दो बंदे को निपटा दिया और अब टोटल तीन टीम्स हैं जिसमें से
ग्रोस गेमिंग अननाउन और टीम स्काउट। फाइनल ग्रोस गेमिंग के एक बंदे को यहाँ से रॉक ने नॉकआउट किया है, बट 1v4 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर किल कंफर्म कर लेते हैं तो बात कुछ और होगी। बहुत बढ़िया, अपने बंदे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई, जान खतरे में डाल सकते हैं। ये देखो दोनों तरफ से, दोनों साइड से एक एक बंदा ग्रोस गेमिंग के लिए खतरा। बट जो अब जो जोन है अब इनके लिए खतरा। अननोन वहाँ फाइट ले रहा है और ये यहाँ से जोन के अंदर जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया होगा इनके लिए, पहले ही अननोन को ख़त्म कर दिया। अब अकेला बंदा बताए उसको भी ख़त्म कर दिया शायद। अरे यार फाइनली टीम स्काउट के बंदे को भी ख़त्म कर दिया। और आज जो टीम जीत रही है वो जो है वो टीम है टीम गॉड्स, पहले नंबर पे टीम ATF, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे टीम गॉड, चौथे पे कातिली, पांचवे पे कल की तरह एनिमेटी। चलो भाई लोग थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया खेला आप सभी लोग आज।